तो भाई निकल रहे थे सिविल लाइन की ओर, यहाँ कंपनी गार्डन के गेट नंबर 3 के सामने जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति है। तो भाई यहाँ पे बच्चों की लगी हुई थी भीड़, मेरा भी मन किया कि थोड़ा सा इनसे मिलते चले। गाइस ये बैक साइड के पिलर्स हैं, हालांकि गाइस ये सब बहुत ही ज़्यादा नक्काशीदार हैं, बहुत ही बेहतरीन जो पत्थर का यूज किया गया है। हालांकि इस समय जो कॉलेज टूर चल रहा है वो बहुत ही जोरों पे है, तो चलते हैं मिलते हैं, थोड़ी बात वगैरह करते हैं इनसे। हालांकि टिकट वगैरह के बारे में पहले बता चुका हूँ, 5 रुपये का टिकट मिलता है कंपनी गार्डन का, कंपनी बाग का, और जब भी आप यहाँ पे आते हैं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि भैया लोग जो गार्ड लोग यहाँ बैठे रहते हैं टिकट लेकर के पूरी तरह फाड़ करके उसको डाल देते हैं डस्टबिन में, कहते हैं कि हमें याद हो जाता है, आप लोग जब भी आएंगे सुबह शाम कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे की वैलिडिटी बरकरार रहेगी। सर कैसे हैं आप, प्राइवेट कॉलेज से हैं कि गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा, गवर्नमेंट में क्या इस समय हर जगह ये प्रोसीजर आ गया है क्या? हाँ, एक्सपोजर विजिट के नाम पे। अच्छा, एक्सपोजर विजिट, विजिट ऐतिहासिक स्थल दिखाई जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या प्राइस कितना भेजते हैं पैसा वगैरह इसको? पर हेड? पर हेड नहीं होता। अच्छा, वो 30,000 रुपये आता है, 30,000 भेज देते हैं। और पूरे कॉलेज के लिए जितने बच्चे नहीं, जा नहीं, सकते हैं वो ब्लॉक स्तर पे होता है। अच्छा, ब्लॉक पे आता है, विद्यालय में नहीं आता। ये विकासखंड के सभी बच्चे आए हैं यहाँ एक विद्यालय से, जैसे हमारे 49 विद्यालय है तो 50 बच्चों टूर आया हुआ है। अच्छा, 5 टीचर। और उसमें खाने पीने सब घर से ले आएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप ही? बिल्कुल, बच्चों को पूरा एक जूट बैग दिया गया है। किस क्लास तक ले आते हैं? 6 से 8 तक। 6 से 8 तक। आप कहाँ से आए हैं? हम प्रतापपुर से आए हैं। प्रतापपुर, ये तो इलाहाबाद में? इलाहाबाद। फूलपुर के आसपास है? फूलपुर के आगे है। आगे है। अच्छा अच्छा, किस विद्यालय से हैं आप इसे बता दीजिएगा? पर्टिकुलर मैं कंपोजिट विद्यालय प्रतापपुर से। बस ऐसे ही मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई, मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालता हूँ, देसी इंडियन एमके हमारा चैनल है, तो मुझे लगा कि नहीं पूछना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ संगम जा रहा हूँ, वहाँ के बच्चे मिल रहे हैं, कंपनी गार्डन मिल रहे हैं, हाँ हर जगह मिल रहे हैं, विकासखंड स्तरीय होता है। अच्छा अच्छा, तो गाइस काफी दिनों के प्रयास के बाद आज इधर गार्डन टहलने आए थे, बच्चों से थोड़ा सा मिलना था, टीचर से भी बात हुई। तो यहाँ पे गाइस हुआ क्या कि जब लौट रहे थे तो बगल पड़ती है राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका गेट गाइस आज ओपन है, अलग इसी साफ सफाई और मरम्मत वगैरह की वजह से ये गेट वो हमेशा क्लोज ही रहता था, आज ओपन है। तो गाइस देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देने का प्रयास करते हैं, अगर कुछ अच्छा दिखा कुछ अंदर। नहीं गाइस अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी देखिए अभी मरम्मत कार्य चल ही रहा है, मुझे लगता है पढ़ने वगैरह के लिए यहाँ पे खोल दिए होंगे। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे थार्न हिल मेने मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। 1864 में स्थापित यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इमारत को रिचर्ड रोस्केल बेने द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे स्कॉटिश बैरोनियल रिवाइवल आर्किटेक्चर का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी माना जाता है। गाइस इसके बिल्डिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि ये बिल्डिंग पहले थार्न हिल मेने मेमोरियल के रूप में जानी जाती थी, और ये अल्फ्रेड पार्क यानी जो अपना कंपनी गार्डन है उसके बीचों बीच में यह स्थित है। तो गाइस ये जो स्कॉटिश बैरोनियल आर्किटेक्चर में तेज खंभे और ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के बुर्ज के साथ डिजाइन किया गया था, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। एक्चुअली मैंने इसका ओवरव्यू आपको दिया भी है, और इसको आप देखिए, इसके अंदर जो नक्काशी और जो इसके अंदर चित्रकारी की गई गाइस बहुत ही ज्यादा खास लगती है, बहुत ही बेहतरीन। कभी आपके पास अगर प्रयागराज में आए, अगर टाइम हो, तो इस समय इसकी जो खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई जब से इसकी साफ सफाई वगैरह करा दी गई है। तो गाइस इसमें मेहराबदार मठों के साथ साथ जो संरचनात्मक बहुरूपता है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत आकर्षित करती है। 1870 में ये पूरी होने के बाद जो है भवन को, तो गाइस इसका जो निर्माण हुआ था 1870 में कराया गया था, और इसकी जो पूरी लागत आई थी लगभग 94,222 रुपये आई थी, जो कि मैंने विकीपीडिया से निकाला है। गाइस आप भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से देख भी सकते हैं। तो गाइस ये प्रयागराज के आयुक्त श्री मेने द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो कि उस समय कंटेम्परेरी थे, और कथवर्ट बेंसले थार्न हिल के स्मारक के रूप में इसको खोला गया था।
तो गाइस जब इलाहाबाद संयुक्त प्रांत की राजधानी थी तब स्मारक ने ब्रिटिश युग के विधानसभा के घर के रूप में इस्तेमाल किया था। गाइस इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो द मॉन्यूमेंट हैज सर्वड एज द हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन ब्रिटिश एरा व्हेन इलाहाबाद वाज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। आप जब भी प्रयागराज आएं इस लाइब्रेरी में जाना बिल्कुल न भूलें। तो है जिसमें लगभग 1,25,000 के आसपास किताबें हैं और इसमें 21 प्रकार के अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और 28 प्रकार के न्यूज़पेपर्स हैं और लगभग 40 प्रकार की इसमें गाइस पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स हैं। तो गाइस जब भी आप प्रयागराज में रहें या रेगुलर प्रयागराज के जो भी भाई निवासी हैं उनके लिए छोटा सा मेरा प्रयास है। और गाइस अगर आप यहाँ पर रेगुलर आकर के मंथली पास बनवाना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में पर मंथ आपको यहाँ पर मेम्बरशिप मिल जाएगा। आप आइए और यहाँ पर पढ़िए, बैठिए और बहुत ही ज़्यादा शांति यहाँ पर रहती है। हमने जो भी शूट कर सका उसका ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि गाइस अंदर नहीं जाने दिया गया लेकिन फिलहाल यहाँ से जो भी व्यू हमको मिला वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस प्रयागराज के कंपनी गार्डन में बनी इस पब्लिक लाइब्रेरी इसका पूरा ओवरव्यू देने का मैंने प्रयास किया। हालांकि मैं पीछे साइड भी आ चुका हूं और इधर भी देखिए क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट ही है। अभी यहां चूना वगैरह रखा हुआ है, यहां मशीनें भी लगी हुई हैं, घिसाई वगैरह गाइस चल रही थी। तो गाइस मैंने अभी आपको सामने से इसका व्यू दिखाया, वहां पे घिसाई वगैरह का काम चल रहा है और ये बैक साइड है गाइस। हालांकि ये बहुत ही प्राचीन और नक्काशीदार बनी हुई गाइस, इसका एक एक पिलर बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना हुआ है। तो गाइस ये बैक साइड के पिलर्स हैं, हालांकि गाइस ये सब बहुत ही ज़्यादा नक्काशीदार हैं, बहुत ही बेहतरीन जो पत्थर का यूज किया गया है। तो गाइस आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक छोटा सा लाइक कीजिए जिससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो गाइस जल्दी से 10K करा दीजिए जिससे कि मेरे ट्रेवल का जो रेंज थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो गाइस करते हैं वीडियो कहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।